आप बोलना मत, कोई भी बीच में मत बोलना अभी, कोई नहीं बोलेगा प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा, नो इशू, वी आर फाइन हियर। मैं अल्लाह के बंदे फाउंडेशन एजाज खान के यहाँ से हूँ। कांदेवली ईस्ट में शताब्दी हॉस्पिटल है जो आइसोलेशन रूम है। आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में किस तरह से पेशेंट या पड़े हुए हैं। प्लीज आप जितना हो सके इसको शेयर करो, किस तरह से यहाँ पे पेशेंट को रखा गया है और कौन सी कंडीशन में पेशेंट है। जो नंगे पेशेंट है वो किधर है मुझे बताओ। सब लाइट चालू करो। इतनी गंदी कंडीशन में आइसोलेशन रूम में पेशेंट को रखा गया है। ये देखो ये बेड है, यहाँ पे बेडशीट नहीं है, ये पूरा खाना इधर पड़ा हुआ है, ये कचरा देखो आप, ये आइसोलेशन रूम है। ये आदमी नंगा था, हमारे बोलने पे इसको चद्दर उड़ाया गया है। इसकी चद्दी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो इसकी चद्दी यहाँ पड़ी हुई है। ये आदमी देखो सिर्फ डायपर में और ये पूरे पॉटी में भरा हुआ है। ये आइसोलेशन रूम है, ये ब्लड है, ये इनका खाना है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से इन लोगों ने कोरोना पेशेंट को रखा हुआ है। ये सब कोरोना पेशेंट है, ये सब कॉमन टॉयलेट है, आप देख सकते हो। प्लीज आप ये देखो, ये सिक्योरिटी, ये देखो ये कैसे है। आप लोग कितने दिन, हाँ तारीख को यहाँ पे आए थे, 3 तारीख को, और हम लोग को बोला गया 48 आवर्स में आपको रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ, और हम लोग को 3 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे में ना टेस्ट में ना कुछ भी नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है, नेगेटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी और फैमिली भी लाया गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं कि रिपोर्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाजू में पॉजिटिव लोग हैं वही बाथरूम में जा रहे हैं, हम लोग भी वही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, उनके वजह से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जा रहे हैं। हम लोग को डर उसका, और यहाँ पे बेडशीट नहीं है, कितने लोग एडमिट है, किसी को आपका रिपोर्ट आया है? मेरा रिपोर्ट अभी तक आप, अभी तक रिपोर्ट अच्छा आप कितने दिन से एडमिट हो? मैं अभी 3 तारीख को यहाँ पे आया था, 7 तारीख है, 7 तारीख है, ये 3 तारीख से आए हुए, ये 7 तारीख है। इनको बोला गया कि आपका रिपोर्ट आने वाला, लेकिन इनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है, ना इनको खाने की फैसिलिटी दी जा रही ना कुछ नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव लोग सब एक ही रूम में एक ही जगह पे ये लोग सब चीज शेयर कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये बेडशीट 5 दिन हो गया डाल के, अभी तक चेंज नहीं हुई, 5 दिन से यही बेड है। आपको क्यों रखा गया इधर? हम लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए लाए थे, हाँ, चेकअप के लिए आए, उसके दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट गई है, हाँ। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हमारी। नहीं, आप कितने दिन से हो यहाँ पे? 5 दिन हमारे को, 5 दिन, 5 दिन से आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। वेरी गुड, हाँ, सी दिस, ये है हमारा शताब्दी हॉस्पिटल का आइसोलेशन रूम। आप देख सकते हो कितनी सफाई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आंटी मैं एजाज खान फाउंडेशन अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि आपको यहाँ पे क्यों रखा गया है? अच्छा, कितने दिन से आंटी आप यहाँ पे? 4 तारीख, 1 तारीख। आप लाइट चालू करो सर, वो लोग बंद कर, 1 तारीख आपकी रिपोर्ट आई, बच्चे बताओ मुझे। हाँ, ये तो अभी आए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये छोटा सा मासूम बच्चा है। आपको क्या हुआ भाभी? मेरे डैडी ऑफ हो गए थे ना, तो हम लोग हिसाब से यहाँ पर लेकर आ गए थे। अच्छा, आपके डैडी ऑफ हो गए थे? आपका डैडी को मिलने के लिए एक ही बार गए थे। अच्छा, 10 बार बोला हम लोग घर में ही रहते हैं, 14 दिन तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, डॉक्टर ने बोला नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपको कितने दिन से यहाँ रखा गया है? 5 दिन हो गया हम लोग, 5 दिन हो गया, ठीक है। आपका टेस्ट हुआ? आपका टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई? अच्छा, आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में 5 दिन से एक छोटे बच्चे मासूम बच्चे को लेके एक लेडी पड़ी हुई है। इनका डैडी डेड हो चुका है, 15 डेज का ये बच्चा है, ये 15 दिन का बच्चा है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये उसकी मम्मी है। आपका रिपोर्ट आया मैडम? नहीं आया। कितने दिन से? अप्रैल से आई हूं। ओके, ये फर्स्ट 7 डेज हो गए, ये 1 अप्रैल से यहाँ पर है, 7 डेज से इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लाई गई है। ये 15 दिन का मासूम बच्चा कोरोना पेशेंट के साथ आइसोलेशन रूम में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये बच्चे को कितना इफेक्ट होगा, लेकिन इनका कोई रिस्पांस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और भी बताऊं, ये देखो यहाँ पे हमारे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये कितने छोटे बच्चे कोरोना पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस इसमें घूम रहे, ये कोरोना वायरस पेशेंट का रूम है। ये इतने मासूम बच्चे घूम रहे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स को और नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ कितने दिन से हो भाई? आप लोग 2 तारीख से है, हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग का 48 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा। ओके, तो 48 आवर्स के आज 5 दिन हो गया, रिपोर्ट ही नहीं आया, और पॉजिटिव बता रहे, बिना रिपोर्ट दिए बीएमसी से फोन करते बोलते तुम्हारी वाइफ यानी इसकी माँ, हाँ, का पॉजिटिव बताया, उसको उधर रखे, दूध पीती बच्ची है,
लेकिन आप लोग बाथरूम सब एक ही यूज करते हैं। सब लोग एक ही बाथरूम। वेरी गुड। कोरोना पेशेंट के साथ ये लोग, कोरोना पेशेंट और नेगेटिव पेशेंट सब एक साथ। ये देखो, ये हमारा आइसोलेशन रूम है और बेडशीट एक भी बेड पे नहीं है। आप देख सकते हो ये सब पूरा बेडशीट, और ये देख सकते हो हमारे शताब्दी हॉस्पिटल की सफाई। बाथरूम बताओ, बाथरूम मैं आपको बाथरूम बताती हूँ। कोरोना पेशेंट के लिए इन लोगों ने कितनी सफाई से बाथरूम रखा हुआ है। नहीं, हम आएंगे बाथरूम में भी। देखिए कौन रुका रहा है, ये हमारे चाचा। कल ये मेरे सामने आए, अस्सलाम वालेकुम चाचा। ये चाचा कल हमारे सामने आए, किस तरह से बेचारे पड़े हुए अकेले, कोई देखने वाला नहीं है इनको। ये ऐसे पड़े हुए कोरोना पेशेंट बोल के इनको रखा गया है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और ये पॉजिटिव है। आंटी भाभी, आप पॉजिटिव हो? ये नेगेटिव है। प्राइवेट में हमने कराए थे, हाँ, उसमें पहले पॉजिटिव। ओके, वेरी नाइस। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये चाचा को इन लोगों ने प्राइवेट में करवाया था इनका रिपोर्ट, तो इनको पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद इनको नेगेटिव बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से ये चाचा यहाँ पर बैठे हुए, आप देखिए कितनी सफाई है यहाँ पर। लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिसको आप देखिए, ये फंका सिर्फ नाम के लिए है शताब्दी हॉस्पिटल में, पेशेंट के साथ सिर्फ नाम के लिए और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये चटिया सूख रही है, लेकिन ये डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसीलिए ये एक मिनट बोलिए अंकल। थर्सडे को यहाँ पर आए हैं भाभी, एक मिनट बोलिए। थर्सडे को हम यहाँ पर आए हैं, फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ है, हमारा आज तक रिपोर्ट नहीं आया। हमारे बाद पेशेंट आया, उन लोगों का रिपोर्ट भी आ गया, उन लोगों को छुट्टी भी हो गया। ओके, हम लोगों का अभी तक रिपोर्ट का ही ठिकाना नहीं है। ओके, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। आपको क्या बोला जा रहा है? एक घंटे में आएगा। मैंने आज ये लाइव इसीलिए बनाई हूँ ना, क्योंकि मेरी डॉटर यहाँ पे एडमिट है। मेरी डॉटर को इन लोगों ने आइसोलेशन रूम में रखा है, इसीलिए ये क्या है? ये खून हो गया हाथ से मेरे। अच्छा, ये लोगों ने खून देखी है, कितना अच्छा है, पूरा खून कर दिया इनको। हाँ, लेकिन फिर भी कोई देखने नहीं। एक मिनट, ये जो पूरा वार्ड है ना, ये पॉजिटिव वालों का वार्ड है। ये सबने प्राइवेट में करवाए थे रिपोर्ट, और ये सबके पॉजिटिव है, और ये रूम ऐसा है। ओके, तो ये रूम है। बोलो मेरी बेटी किधर है, मेरी डॉटर कौन से रूम में? आवाज दीजिए ना, बोल रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो ये पूरा पॉजिटिव है। ये मेरी डॉटर है सीमा, इसको 2 दिन से यहाँ पे रखा गया है, इसको आइसोलेशन में रखा गया है। इसको बोला गया है कि 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी। दूसरा दिन है आज, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक नाम के लिए उसको सब चीज़ें दी गई है। आप कितने दिन से एडमिट हो बेटा? आज ही एडमिट। आपका रिपोर्ट हुआ है? कोई बीमारी नहीं है, मुझे खांसी आती है। अच्छा, देखिए एक कोरोना रूम में एक लड़की को एडमिट सिर्फ इसके लिए किया गया कि उसको खांसी आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये खांसी के साथ साथ ये लड़की को अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया, हाँ, इसको निमोनिया है। निमोनिया पेशेंट को इन्होंने कोरोना के अपार्टमेंट में ला के रखा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदार हमारी प्रशासन लेगी, या इसका जिम्मेदार हमारा मोदी जी लेगा? कौन लेगा ये आप मुझे प्लीज बताइए। एक निमोनिया की लड़की जो 17 साल की है सिर्फ, उसको अननेसेसरी रखा गया है। आपको सैनिटाइजर दिया गया है? अच्छा, आपको सैनिटाइजर नहीं दिया, मास्क आपको दिया गया, कुछ भी आपको नहीं दे रहे, सिर्फ आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। खाना, ये सैनिटाइजर भी आपका है? ओके, आपको कुछ दिया गया है? ठीक है, थैंक यू। स्लिप ओके। यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हमारे पास है, वो भी आई थिंक सो के दे आर वॉलेंटियर्स, ठीक है? आई डोंट थिंक सो के दे आर डॉक्टर्स।
आप देख सकते हो कि किस तरह से कितनी गंदी कंडीशन ये हॉस्पिटल की है। मैंने आपको वहाँ तक दिखा किया है कि दो आदमी पॉटी में पड़े हुए हैं। आप प्लीज़ इसको जितना हो सके वायरल करिए ताकि शताब्दी हॉस्पिटल का पोल या खुल सके कि आइसोलेशन रूम में दो पॉटी के लोग पेशेंट को नहीं देख रहे। थैंक्स अलॉट। देख लीजिए कोई भी डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, पूरे खाली है, सिर्फ दो डॉक्टर्स हमारे सर हैं यहाँ पर जो पेशेंट देख रहे, बाकी कुछ नहीं पता इतने बड़े वार्ड में। थैंक यू। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप लोग के साथ क्या हुआ? चलिए बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर जो बैठे ना। हाँ मैंने देख कर आई आंटी, आप बोलिए क्या हुआ आपके शोहर को, क्या हुआ? ये करण तो क्या बोलते हैं ना, वो एक खांसी आ रही थी तो उनको इधर एडमिट किया है। हाँ उसके बदले आपको भी एडमिट किया है। हाँ। आपको देखने को मिला आपके शोहर को? नहीं। आपके शोहर पैरालाइज है, मैंने ऐसा सुना कि वो पैरालाइज पेशेंट है। हाँ, हाँ, वो मूव नहीं कर सकते। नहीं। तो उनको खाना पीना कौन खिला रहा है? पता नहीं मुझे, मैंने दो तीन टाइम डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का रिप्लाई क्या था? बोले हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा उन्होंने यही बोला है, ठीक है, लेकिन वो कौन खिला रहा है कौन पिला रहा है आपको नहीं, आपको जाने की भी वहाँ पे नहीं। आपको यही वार्ड में एडमिट किया गया है जहाँ पे आपके हस्बैंड है? हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव है? हाँ, वो क्या बोलते मुझे पता नहीं। अच्छा वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपने पूछा है ना? हाँ। ओके थैंक यू आंटी। उधर है मगर वो क्या, नो इशू नो इशू। आइए आप लोग आओ, आप लोग के साथ क्या हुआ ये बताइए। हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक फैमिली से आज मॉर्निंग से मैं देख रही हूँ उनको, क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ पे एडमिट है और एक फैमिली को कंटिन्यूस मैं मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रही हूँ। उनके डैडी कल रात में उनका डेथ हुआ है, ठीक है। डेथ होने के बाद वो फैमिली को उन लोगों ने यहाँ पे लेके आया गया है, बोला गया कि उनको आइसोलेशन किया जाएगा। ये आंटी, वो अम्मा को लाओ, अम्मा को, वो जो आंटी एक है जो 80 ईयर्स की है, सुबह में 9 बजे से वो आंटी यहाँ पे बिना खाए बिना सोए बैठी हुई है। लेकिन ये हॉस्पिटल का कोई, आंटी को लाओ, आंटी को, इनका कुछ भी नहीं है। आंटी आप बताइए, मैंने सुना कि आपके हस्बैंड का कल डेथ हुआ, क्या हुआ था आंटी? मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ, इधर ही लेके आए थे, अच्छे थे। हाँ। अभी रिपोर्ट आया वो लोग के पास बीएमसी में से, रिपोर्ट कैसा आया बीएमसी में से, हम लोग को कॉल आया, वो बोले हम लोग को कि बीएमसी में से, हम लोग ने प्राइवेट में रिपोर्ट करवाया था तो प्राइवेट में से डायरेक्ट वो लोग बोले हम लोग ने बीएमसी में भेज दिया। हाँ। तो मैं बोले अच्छा है, बीएमसी में गया तो हम लोग को कॉरिडाइर कर दिया, घर में रख दिया। हाँ। मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता है, मैं गुजराती हूँ तो भी मैं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का ये हुआ तो मैं, हम लोग घर में ही थे सर, राइट, हम लोग को बाद में तो बाहर नहीं आने थे कि पॉजिटिव रिपोर्ट आया करके, तो मैं अंदर ही थी, हम लोग, मेरा बच्चा भी अंदर था, हम लोग 5 जन अंदर ही थे, इधर आने को हम लोग को हुआ ही नहीं। इधर के बड़े जो सर है उसके पास, वो बोले रिपोर्ट आया है, वो बोले रिपोर्ट आया है, लेकिन इधर इधर जो मेरे हस्बैंड थे उधर डॉक्टर थे, वो बोले हम लोग के पास रिपोर्ट आया ही नहीं। वो डॉक्टर जो लेडीज डॉक्टर थे वो 7 बजे बोले कि मेरे हस्बैंड से उसने बात भी किया था। हाँ। मेरे हस्बैंड ठीक थे। हाँ। ऐसा बोले वो। हाँ। उस नहीं था। हाँ। हम लोग से वो डॉक्टर ने बात किया। हाँ। वो बोले ठीक है तुम्हारे हस्बैंड। हाँ। बात किया था, लेकिन 7 बजे के बाद में क्या हुआ ये भी मेरे को मालूम नहीं है, मैं घर में ही थी। हाँ। इधर क्या हुआ, यहाँ से कोई कॉल भी नहीं आया कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। आप वो अंकल के कौन हो? मैं उनकी डॉटर हूँ। अच्छा। मैं उनके साथ सिर्फ 2 दिन थी। हाँ। मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गई। हाँ। और उनकी सारी प्रोसीजर मैंने की। हाँ। पापा के साथ मम्मी दादी और भाई रहते थे। ये उनकी दादी आप देख सकते हो, ये 80 ईयर्स ओल्ड लेडी है, इनको सुबह में 9 बजे से यहाँ पे बिठाया गया है, बिना खाना बिना पानी कुछ भी नहीं, बेचारे वो सो भी नहीं सकते। अगर वो लेटते हैं तो इनकी सिक्योरिटीज आके इनको बोलती कि आप सो नहीं सकते, आप उठिए। 80 ईयर की ओल्ड लेडी को इन लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं सब पेशेंट के साथ। ये छोटी मासूम बच्ची है, आप देख सके सुबह से ये भूखी प्यासी यहाँ बैठी हुई है। इन्होंने वीडियो वायरल, वीडियो जो वायरल किया तब जाके हमें खाना पानी सब पूछा, उसके पहले हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा। ऊपर से यहाँ के जो डॉक्टर है नार्वेकर सर, वो ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे उनको कॉर्पोरेट नहीं करे, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे सब बैठे हुए सबने देखा है, इवन डॉक्टर को हमने 10 बार जाकर पूछा था कि हमें आगे की प्रोसीजर क्या करनी है क्या करनी है, बट उन्होंने बोला कि हमें कोई पता नहीं है। और डॉक्टर नार्वेकर जो सर है यहाँ के
ईएमओ है वो ऐसा बता रहे कि हम लोग की ऐसी डिमांड थी कि हमें सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट टॉयलेट चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। नहीं, ये सब सरासर झूठ है, क्योंकि सुबह से मैं इनको देख रही हूँ, मेरी भी बेटी यहाँ पे एडमिट है और ये बेचारे इतनी ओल्ड वुमेन को लेके ये लोग बैठे। अगर इनको ऐसी डिमांड होती तो ये 80 साल की औरत इतनी रात में नहीं बैठती। ये मुझे मैसेज आया है कि दिस इज द मैसेज फ्रॉम डॉक्टर नार्वेकर टू द होल सिस्टम ऑफ दिस। एक सेकंड yeah. हाँ, ये आप देख सकते हो, आप मैसेज पढ़ सकते हो कि डॉक्टर का ये क्या मैसेज उनको आया है। शी हैज नॉट मेंशन हर नेम बट एज आई रिक्वायर्ड शी इज कन्वर्ड सस्पेंडेड पेशेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली इनका जो मैसेज आया है। सरासर ये लोग झूठ झूठ और ये झूठ भेज रहे हैं। अभी तक भी हमें आप लोग हैं, हम लोग निमोनिया, मेरे भांजी है हाँ। मैं उसका मामा हूँ हाँ। उसको खाली निमोनिया हो गया करके उसको दिखाने के लिए आया, वो डायरेक्ट वार्ड में एडमिट कर दिया। अच्छा, उसको नहीं हुआ है तो भी उसको हो जाएगा अभी। अच्छा, उसको कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो जो एकदम नॉर्मल है, जो 17 साल की जो लड़की है वो। ओके ओके, तो इसको जबरदस्ती वहाँ पे रख दिया गया, वहाँ पे रख दिया, और जिसको नहीं हुआ है वो भी उसमें हो जाएगा। सर, आपके वाइफ को क्या हुआ था? मैं आपके साथ कल से हुई। निमोनिया? अच्छा, आपकी वाइफ को भी निमोनिया है, तो उसको क्यों कोरोना के इसमें एडमिट किया गया? टेस्ट करना पड़ेगा, अननेसेसरी। आप लोगों ने बोला नहीं कि उनको ऐसा मत करिए? बोला तो वो बोले नहीं, सबको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, और हम लोग की बोलो बोलो, हम लोग की एक ही डिमांड थी हाँ। कि हमें पॉजिटिव पेशेंट के साथ नहीं रहना है हाँ। अगर हम आइसोलेशन में है तो आइसोलेशन वालों के साथ रखिए हाँ। और यहाँ का आइसोलेशन रूम आपने खुद ने देखा हुआ है कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। वहाँ पे मैं मेरी 7 साल की बच्ची को क्यों लेके जाऊँ, जबकि वो मेरे पापा से एक दिन भी नहीं मिली है। जस्ट मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मैं उसको लेके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लेडी अभी आपके सामने बात कर रही थी, इनके डैडी का कल रात में डेथ हो चुका है, वो हमारे सामने हुआ है हाँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आइसोलेशन रूम की कंडीशन क्या है। जेंट्स लोग वहाँ पे नंगे पड़े हुए और वो भी पॉटी में पड़े हुए, आप देख सकते हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कोरोना पेशेंट के साथ है। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्लीज इसको फॉरवर्ड करो, ये हमारे मिनिस्टर तक जाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि शताब्दी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है हाँ। और अभी ये बोलने के बाद आप देख सकते हो, हमारे करने के बाद ये हमारे लिए खाना प्रोवाइड हुआ जा रहा है। आप देखो, ये सब करने के बाद अभी ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ जितना हो सके आप हम सबको कोऑपरेट करो, और यहाँ से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ शताब्दी हॉस्पिटल में प्लीज़ पेशेंट को ना लाना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिवाय मौत के और कोई नहीं देंगे, क्योंकि ये लायक हॉस्पिटल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हॉस्पिटल खोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल GEB News, like, comment and share. Thank you.